नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी कढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप मैदा। आप मैदा को अच्छे से छान लें। अब आपको इसके अंदर डालना है 1 चम्मच नमक, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको इसके अंदर डालना है दही, आप फ्रेश दही ही लें। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको अपना डो मुलायम ही बनाना है, ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें 1 चम्मच घी लगाकर अब इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लीजिए अपने डो को घी के साथ। देख सकते हैं हमारा डो कितना अच्छे से लग गया है। अब आपको अपनी डो को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देना है। देख सकते हैं आप, आपको इस तरह से मुलायम ही अपना डो रखना है। अब आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। ना डाल दीजिए। हम अपने पिज़्ज़ा को कढ़ाई में बेक करने वाले हैं, तो आप इस तरह से इसे नमक से डाल दीजिए, कवर कर दीजिए नमक से। और अब इस पर एक स्टैंड रख दीजिए। अगर आपको कोई स्टैंड ना हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। अब आप इसे इस तरह से ढक दीजिए 15 मिनट के लिए, प्री हीट करने के लिए मीडियम फ्लेम पर। आप स्टैंड की जगह इस तरह से कटोरी भी रख सकते हैं। चलिए हम अपने पिज़्ज़ा को बेल लेते हैं। आप इस तरह थोड़ा सा आटा डाल दीजिए ऊपर से अपने चकले पर, आप या फिर प्लेटफॉर्म पर भी बना सकते हैं आप। अब हम अपने पिज़्ज़ा को बेलते हैं। आपको अपने पिज़्ज़ा को ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, आपको उसे मीडियम पर ही रखना है, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आप इस तरह से साइड साइड में हल्का हल्का थोड़ा गड्ढा सा कर दीजिए उसकी बाउंड्री बनाने के लिए पिज़्ज़ा की। देख सकते हैं आप। अब आप फॉक की मदद से इस तरह से छेद कर दीजिए हल्के हल्के, ताकि आपका पिज़्ज़ा बीच में से फूल ना जाए। जैसे आप मार्केट से खरीदते हैं जिस तरह से आपको दिखता है, आपको वैसे ही करना है फॉक की मदद से। अब चलिए अपने पिज़्ज़ा को रेडी करते हैं। आप इस तरह से एक प्लेट पर थोड़ी सी घी डाल लें और उसको अच्छे से चिकना कर लें। इसी पर हम अपना पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। आप इस तरह से प्लेट पर घी डाल लें और इसे अच्छे से चिकना कर लें। इसी पर हम अपना पिज़्ज़ा बेस बनाने वाले पिज़्ज़ा को बनाने वाले हैं। तो चलिए आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पूरे अच्छे से लगा दीजिए सारी कॉर्नर्स पर। चलिए अच्छे से आपको लगा लेना है, इस तरह से सारी साइड से ग्रीस कर लेना है आपको। चलिए प्लेट पर देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इसके ऊपर अच्छे से पूरे को कवर कर दीजिए पिज़्ज़ा सॉस के साथ। इस तरह से पूरे पिज़्ज़ा पर लगा दीजिए आप। हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़, ये हमने ग्रेट कर ली है। आप इस तरह से अच्छे से डाल दीजिए।
आप इस तरह से पूरे को कवर कर दीजिए। इसमें लगाएंगे सारे वेजिटेबल्स, आपको जो भी पसंद है आप लगा सकते हैं। यहाँ हम लगा रहे हैं प्याज, टमाटर एंड कैप्सिकम। आप इसको सारे साइड में अच्छे से लगा दीजिए। अब हम लगाएंगे टमाटर। अब हम इसमें लगाएंगे कैप्सिकम। आप अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए पूरे अपने पिज़्ज़ा को। देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। आप कॉर्न भी लगा सकते हो, या फिर आपको डिफरेंट कलर्स की कैप्सिकम पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हो। इसको ऊपर से दोबारा से चीज़ से कवर कर देंगे। पिज़्ज़ा कितना अच्छे से रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चलिए अब हम अपने पिज़्ज़ा को बेक कर। अब आप इस तरह से कढ़ाई पे रख दीजिए और इसे ढक दीजिए। अब आपको इसे ढक के पकाना है 20 से 25 मिनट तक। बीच बीच में आप चेक करते रहिए, क्योंकि सबके फ्लेम्स का फ्लेम अलग होते हैं और सबके बर्तन अलग होते हैं, तो आप टाइम का थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। गाइस 20 मिनट हो चुके हैं, हम अपने पिज़्ज़ा को देखते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हो गया है, पूरा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं साइड से कितना अच्छा कलर आया है। चलिए हम अपने पिज़्ज़ा को निकाल लेते हैं। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं गाइस हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। हमने इसे निकाल लिया है प्लेट से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, सारी की सारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई और आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से सिक गया है। चलिए हम इसे काटते हैं गाइस। अब चलिए देख सकते हैं गाइस हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छे से बना है। गाइस आप देख सकते हैं चारों साइड से कितना अच्छे से बना है। गाइज अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही यम्मी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल बने रहिए। ये पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी रेसिपी है। और अगर और पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी बहुत ही ईजी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। गाइस आप ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है।